आज के नाश्ते में हम गोभी का पराठा बनाने जा रहे हैं। गोभी का पराठा बनाने के लिए आपको पहले गोभी को भून के उसको कद्दूकस कर लेना है पनीर के साथ। पनीर और गोभी को ठीक से कद्दूकस कर लेना है। देखिए गोभी और पनीर ये कद्दूकस किया हुआ है। फिर आपको धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, अदरक, भुंजा हुआ मसाला को ठीक से चॉप करके कद्दूकस किए हुए पनीर और गोभी में मिला देना है ठीक से। देखिए चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, अदरक है, इसको आपको कद्दूकस किए हुए पनीर और गोभी में मिला देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से पूरे स्टॉक को ठीक से मिला देना है, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर स्टफ में आपको आधा चम्मच काला नमक भी डालना है। फिर स्टफ को आपको पराठा में ठीक से भर लेना है इस तरह से, चारों तरफ इसको फैला देना है ठीक से तरह से, और इसको इस तरह से इसको बंद कर देना है। और फिर इसको बेल लेना है। आपका गोभी का पराठा बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।